तुझे जान दे सकता, तू दे सकता, तू आ। आज इंतजार और तू दोनों खत्म हो गए। क्या इस फिल्म के सपोर्टिंग एक्टर्स बदल दिए जाएंगे? क्या अब दिलवाले 2 दूसरे राइटर लिखेंगे? क्या दिलवाले 2 में भी रिवलरी दिखाई जाएगी? सो हेलो टू माय लवली व्यूअर्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट YouTube चैनल पॉलीक्रैट्स वीडियोस। दिस इज रिया और आज मैं आप सभी के लिए लाई एक ऐसी दिलचस्प खबर जो की जुड़ी है बॉलीवुड की अपकमिंग फिल्म दिलवाले 2 के साथ। तो दोस्तों अंत तक जुड़े रहिए मेरे साथ। दिलवाले 2 एक कॉमेडी रोमांटिक फिल्म होगी जैसे दिलवाले थी, बिकॉज दिलवाले 2 दिलवाले का ही सीक्वल है। इस फिल्म में भी मेन लीड में होंगे शाहरुख खान, कृति सेनन, वरुण धवन एंड कपूर, बिकॉज दिलवाले में भी यही सब एक्टर्स थे और इन्होंने फिल्म को सुपर हिट बनाया। और मेकर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स सभी चाहते हैं कि सीक्वल भी सुपर हिट बने। ऐसे तो कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई है फिल्म के बारे में, लेकिन मूवी शूट तो होगी और आएगी भी जरूर, बिकॉज फैंस को चाहिए और फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है रिस्पेक्टिव लीड एक्टर्स की और दिलवाले फिल्म की भी। सपोर्टिंग रोल्स में पता नहीं हमें कौन दिखाई देने वाले हैं, लेकिन फिल्म दिलवाले में हमें जैसे चेतना पांडे, बोमन ईरानी, मुकेश तिवारी, वरुण शर्मा, पंकज त्रिपाठी, जॉनी लीवर जैसे, इसमें बहुत अच्छे अच्छे कॉमेडियंस भी हैं। और ये फिल्म रोहित शेट्टी सर ने डायरेक्ट की है, जिन्होंने बहुत सारी हिट फिल्में बनाई और जो बहुत एस्टैब्लिश्ड डायरेक्टर है जो एक्शन सीक्वेंस एंड एक्शन स्टंट्स के लिए जाने जाते हैं। ये फिल्म प्रोड्यूस की है दूसरा तीसरा कोई नहीं बल्कि खुद शाहरुख खान सर की वाइफ ने, यानी कि मिस गौरी खान, अंडर रेड चिली एंटरटेनमेंट्स एंड रोहित शेट्टी प्रोडक्शंस। दिलवाले की स्टोरी लिखी है के सुभाष ने, जिन्होंने बहुत मूवीज की राइटिंग की है लाइक पवित्रा, मेसाम, तेलुगु, तेलुगु फिल्म्स के राइटिंग एंड डायरेक्शन के लिए जाने जाते हैं। लेकिन अब कोई दूसरे राइटिंग करेगा वो भी फिल्म दिलवाले 2 का, बिकॉज के सुभाष जो राइटर थे उनकी 2016 में ही डेथ हो गई। और दिलवाले 2 के कंटिन्यूएशन के लिए इसका सीक्वल बन रहा है और इस मूवी के लिए 165 करोड़ के बजट था और वो भी सुपर हिट हो गई। तो बॉक्स ऑफिस पे उसने 365 प्लस करोड़ की कमाई की और अब दिलवाले 2 के लिए ज्यादा का बजट लगाया जाएगा जिससे और भी ज्यादा कमाई होगी। इवन ये मूवी के लिए 6 नॉमिनेशन के लिए वो भी फिल्मफेयर अवार्ड, बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेसेस के लिए भी शाहरुख खान एंड काजोल को, और वो नहीं चाहता कि हम नॉमिनेशन में डालें। सब चाहते हैं दैट हम नॉमिनेशन में आए और अवार्ड जीते, लेकिन लास्ट टाइम तो अवार्ड नहीं जीता, लेकिन इस टाइम अवार्ड जीतने की वो पूरी कोशिश करें। जैसे कि दिलवाले फिल्म को 11 अवार्ड मिले हैं और 10 नॉमिनेशन, हम चाहते हैं कि दिलवाले 2 भी जल्द ही आए और उससे भी अवार्ड मिले और बॉक्स ऑफिस पे चमक पाए। और फिल्म दिलवाले में रिवलरी दिखाई गई है, लेकिन जो कैरेक्टर्स हैं राज और मीरा वो एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगते हैं, बट उन्हें दूर रहने के लिए फोर्स किया जाता है बिकॉज उन दोनों की फैमिली एक दूसरे के राइवल्स होती हैं। फिर बहुत सालों बाद उनको प्यार का भी एक मौका मिलता है जब उनके सिबलिंग्स एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। शायद ये डेस्टिनी में ऐसा ही लिखा था। और आगे स्टोरी की एक इंसिडेंट्स अनफोल्ड होते जाते हैं और सेम दिलवाले 2 में भी होगा, जिसे देखने के लिए हम सब काफी।